स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और जो एवरेज स्पीड होता है, इसका जो एक बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में जानते हैं। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन्होंने इन पर काम किया था। और ये जो कर्व मैंने दिखाया है, ये कर्व जो होता है, तो यहाँ पर मैं एन वी एक टर्म लिख देता हूँ और यहाँ पर वी टर्म लिख देता हूँ। तो एन वी क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेलोसिटीज। इट कैन बी डी एन बाई डी वी, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन अ रेंज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस डी वी। तो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये है मैक्सवेल, उसको हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसे हमें थोड़ी आसानी होगी इसे समझने के लिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, देखिए बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हो गए, देखिए एन ऑफ वी जो होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड होगा, वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल आर हैविंग वेलोसिटी जीरो। और अगर हम लोग इनफाइनाइट स्पीड तक जाते हैं, या आइडियली मान लीजिए इनफाइनाइट स्पीड तक जाते हैं, सो अगेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी लेस। देखिए ये ग्राफ यहाँ पर ऊपर चढ़ रहा है और फिर नीचे आ रहा है, राइट है। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप देखते हो, इस ग्राफ में एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर अगर मैं दो सेक्शन इस ग्राफ के कर देता हूँ, ये लेफ्ट वाला जो सेक्शन है और राइट वाला सेक्शन है, तो लेफ्ट वाले सेक्शन का अगर एरिया माना जाए, लेफ्ट वाला सेक्शन जो फर्स्ट है उसका जो एरिया माना जाए, तो एरिया इसको अगर A1 में मान के चलता हूँ, और जो सेकंड सेक्शन है इसका अगर एरिया मान लिया जाए A2, तो हमें यहाँ पर दिखता है A2 ग्रेटर देन A1। तो अभी एरिया जो होता है ये क्या होता है, देखिए NV और अगर मैं लिख देता हूँ DV, मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एरिया जो कॉन्सेप्ट है, इट इज समवेयर रिलेटेड टू NV नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन वेलोसिटी रेंज DV मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं वेलोसिटी DV से कर देता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज समवेयर रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे पार्टिकल की संख्या बहुत कम होगी जो एरिया वन में आ रहे हैं, और एरिया टू में काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं। ये जो यहाँ पर टर्म मैंने दिखा दिया, इसको मैं बोल दूंगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मीनिंग ऐसा हम लोग लेते हैं यहां पर कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हैं गैस के जिनकी स्पीड शायद 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6 किलोमीटर पर सेकंड दिख रहा है। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि काफी सारे पार्टिकल के पास अगर देखा जाए तो ये स्पीड ज्यादा मिलेगी। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हो गए, जिनका स्पीड मोस्ट प्रोबेबल से कम हो, और ऐसे कई सारे पार्टिकल्स हो गए जिनका स्पीड मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा हो, ठीक है, यह आपको समझ रहा है। सो द मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ टू लो एंड टू हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल, एक तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और जो एरिया से हमें दिख रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है आपको, एरिया से आपको दिख रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल से कम स्पीड वाले पार्टिकल कम है, मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल यहां पर बहुत ज्यादा दिखेगा हमें। अभी देखिए तो एवरेज जो होगा, हर एक पार्टिकल का स्पीड मिला के अगर आप निकालते हो, तो एवरेज स्पीड ऑब्वियस है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा ही बनने वाला है। यहां पर एवरेज स्पीड जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड से यहां पर ज्यादा ही बनने वाला है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो उसको मैं यहां पर दिखा देता हूं।
ये हो गया एवरेज स्पीड। फिर हम आते हैं आरएमएस स्पीड पर। ये आरएमएस स्पीड एग्जैक्टली होता क्या है, ये इसको समझ लीजिए। कई सारे पार्टिकल्स हैं, इनका अलग अलग स्पीड है, हमारे पास इनका अलग अलग स्पीड है। लेकिन देखिए, हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना होता है, हमें निकालना होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें जो मिला, जिस तरीके से मिला, तो देखिए हमें हाफ एम पूरा गैस जो होगा उस गैस का मास मान के चलते हैं, हाफ ऑफ एम पूरा मास का गैस। और यहाँ पर स्पीड का स्क्वायर आना जरूरी था। तो देखिए, अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल लेता हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के इक्वल नहीं बन रहा था। एवरेज अगर मान के चलता हूँ यहाँ पर तो नहीं बन रहा था। तो हमें ऐसे पार्टिकल का स्पीड मिला है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका ये स्पीड है, जिसे हम लोगों ने नाम दे दिया आरएमएस स्पीड, और जिसको कैलकुलेट कैसे किया है तो देख लीजिए, हमने इंडिविजुअल पार्टिकल को लिया, हर एक के स्पीड का एवरेज निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया। सो पार्टिकल वन इसका जो एवरेज स्पीड होगा वी वन उसका स्क्वायर, फिर सेकेंड का स्क्वायर, फिर थर्ड का स्क्वायर, सो ऑन अप टू एनथ पार्टिकल उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इसको डाल दिया एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो आरएमएस वैल्यू हमें मिल गई, उसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिला है वो इक्वेट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से रिलेटेड। तो हमारे पास पार्टिकल की तीन अलग अलग स्पीड हमने यहाँ पर देख लिया। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनके पास रिपीटेडली ये स्पीड दिख रहा है, तो 333 यहाँ पर अभी सभी नंबर में अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। तो अभी देखिए, ये एरिया की वजह से मोस्ट प्रोबेबल के लेफ्ट साइड में जो एरिया है कम है, तो कम नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए जिनके पास स्पीड मोस्ट प्रोबेबल से कम होगी। यहाँ पर राइट साइड में एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारे पार्टिकल हो गए जिनके पास स्पीड मोस्ट प्रोबेबल से ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से एवरेज जो हो गया, एवरेज शिफ्ट हो गया राइट में, ये एवरेज वैल्यू मिल गया। और आरएमएस वैल्यू जो होगा, ये पार्टिकल का वो स्पीड होगा जिसकी अगर हम लोग हेल्प लेते हैं तो हमें गैस की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी एवरेज तौर पर। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से आगे आरएमएस स्पीड होगा। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होगा, कर्व कुछ इस तरीके से होगा, और ये कर्व के अंडर का जो एरिया होगा ये हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है। ये क्या दे रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किसी भी गैस चेंबर के अंदर अगर आप देखते हो तो पार्टिकल की संख्या तो सेम ही होगी, किसी भी गैस चेंबर के अंदर आप देखते हो तो पार्टिकल की संख्या जो होगी वो सेम ही होगी। तो आप इसको समझ लो, अभी किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, मान लीजिए ये मुझे कर्व मिल गया, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अगर और मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये कर्व चेंज हो रहा है, इसको समझ लो आप। अभी यहां पर ये जो होगा एट टेम्परेचर T1 होगा, ये जो होगा एट टेम्परेचर T2 होगा, और ये जो होगा एट टेम्परेचर T3 होगा। दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद सर्टेन वेलोसिटीज, और ये हो जाएगा वेलोसिटी V। तो इसे हो क्या रहा है देख लो आप, ये कर्व जैसे कोई फ्लैट हो रहा है, ये कर्व जिस तरीके से फ्लैट हो रहा है, तो इससे ये मतलब बन रहा है कि काफी सारे पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए आप, मोस्ट प्रोबेबल वाला कर्व शेप चेंज हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबल वाला जो स्पीड है ये बढ़ रहा है। देखिए स्पीड बढ़ रहा है, जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसा स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन इसका स्पेशलिटी जो होगा, कर्व वन जो कर्व होगा, सेकेंड जो कर्व होगा और थर्ड जो कर्व होगा, इन तीनों का अगर आप एरिया निकालते हो तो एरिया सेम है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है एरिया। तो इस वजह से हो क्या रहा है, जो एरिया मिल रहा है एरिया सेम मिल रहा है, भले ही ये कर्व जो है ये फ्लैटन हो रहा है, राइट है।
तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो ब्रॉडर हो रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इससे पता चल रहा है कि रेंज ऑफ स्पीड जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। और ये शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इससे एवरेज स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर मैंने T1, T2, T3 लिया, तो यहाँ पर T1 के बारे में इंडिकेट बता दें, T1 इज लेस देन, T2 इज लेस देन T3। तो जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया था उस तरीके से ये कर्व ब्रॉडन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एवरेज मोस्ट प्रोबेबल और ये RMS वैल्यू लिख लिया है, तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिकली किस तरीके से वैल्यूज आई है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो RMS वैल्यू वैल्यू जो मिली है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ थ्राइस पी डिवाइडेड बाय रो, या फिर इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा थ्राइस रूट थ्राइस RT डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्राइस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ये हो गई RMS वैल्यू। अगर हम लोग एवरेज वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो एवरेज वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल रही है हमें, रूट एड बाय, सिर्फ यहाँ पर पाई लिख लीजिए, बाकी सारी क्वांटिटीज एज इट इज आने वाली है। सो ये हो गया रूट एड बाय पाई पी बाय रो, और यहाँ पर आ गया एट रूट एट RT डिवाइडेड बाय पाई MO इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय दिस इज पाई एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। उसी तरीके से मोस्ट प्रोबेबल के बारे में अगर बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल मिल रहा है हमें स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस RT डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो हमें इससे पता चल रहा है कि RMS स्पीड देखिए यहाँ पर रूट थ्री है, यहाँ पर एवरेज में रूट एट बाय पाई है जो कि रूट थ्री से थोड़ा कम होगा, और मोस्ट प्रोबेबल वाला अगर देखेंगे तो रूट है रूट टू है विच इज ऑलमोस्ट कम कम ही है इन सब में से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते, देखिए RAM स्ट्रेस को ध्यान में रख लीजिए, RAM R ग्रेटर देन A ग्रेटर देन M, तो RMS वैल्यू वेलोसिटी ऑफ RMS इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। कभी अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप इसको मान के चल सकते हो। अगर इनका रेशो निकालने की कोशिश करते हो तो रेशो में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 H2 8 by pi H2 2 मिल जाएगा। अगर वापस से इसको सॉल्व करते हो तो ऑब्वियस है आपको अलग अलग नंबर मिलने तय है यहाँ पर, ठीक है। यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड को, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ, सिर्फ देखिए नंबर की बजाय आपको लिखना है ग्यामा, तो ग्यामा पी बाय रो स्क्वायर रूट ग्यामा RT बाय MO स्क्वायर रूट ऑफ ग्यामा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए ग्यामा की जो वैल्यू होगी, जो ग्यामा है यहाँ पर, ये ग्यामा जो होगा, ग्यामा को हम लोग बोल देते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, ये होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट। आगे हमें पढ़ना है गैस के बिहेवियर से हाउ टू गेट अ ग्यामा, क्योंकि हमारे पास जो गैस होती है डायएटोमिक ट्राईएटोमिक पॉलीएटोमिक, फिर उसमें बिहेवियर है, ट्रांसलेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली है, उससे हम लोग ग्यामा फाइंड आउट करने वाले हैं। क्योंकि गैस अगर चेंज हो जाता है तो अलग अलग गैस में साउंड का जो स्पीड होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसी वजह से ये आपके सामने तीन फॉर्मूले जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हद तक यूज़ करने होंगे।